हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पौधों में श्वसन मींस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, किंतु इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी सकते हैं और ऑक्सीजन दे भी सकते हैं, यानी पौधे भी श्वसन करते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। अब वो किस तरह से श्वसन करते हैं, उसके लिए तीन अलग अलग माध्यम है जिनके द्वारा पौधे श्वसन करते हैं। पहला रंध्र छिद्र के द्वारा, दूसरा जड़ों के द्वारा और तीसरा वात रंध्र के द्वारा। सबसे पहला भाग हमारे पास आता है रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र वैसे तो पौधों के अलग अलग भागों में होते हैं, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मात्रा, इसकी सबसे ज्यादा संख्या पौधे के पत्ते में पाई जाती है। अलग अलग तरह के पौधों में ये अलग अलग जगह पर होते हैं। अब अगर हम एक द्विबीजपत्री की बात करें तो द्विबीजपत्री पौधे के अंदर जो भी हमारे पास रंध्र छिद्र है वो पत्ते के निचले हिस्से में ज्यादा होते हैं ऊपर वाले हिस्से की तुलना में। यहां जब आप उसका स्ट्रक्चर देखते हो तो उस रंध्र छिद्र के अंदर दो तरह की कोशिकाएं, दो तरह की कोशिकाएं मिलती है जिसको आप नाम देते हो द्वार कोशिका। यह जो द्वार कोशिका है इसकी आकृति एक राजमा की तरह से है। इसमें एक बिल्कुल साफ दिखाई देने वाला न्यूक्लियस जिसको आप केंद्रक भी कहते हो, इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है। इसमें हरित लवण भी विद्यमान है जो प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता कर सकता है। इसके साथ साथ द्वार कोशिकाओं की जो अंदर वाली परत है वो थोड़ी मोटी है बाहर वाली परत की तुलना में। अब अंदर वाली परत के मोटे होने का मुख्य कारण है कि यह रंध्र छिद्र के बंद होने और उसके खुलने में सहायता करती है। तो जो भी रंध्र छिद्र बंद होता है या खुलता है वो सिर्फ किनकी वजह से है, द्वार कोशिकाओं के कारण से। तो ये जो हमारे पास चित्र है, ये जो डायग्राम है, यह एक द्विबीजपत्री पौधे के रंध्र छिद्र का डायग्राम है। लेकिन जब आप एक बीजपत्री की बात करते हो तो उनकी जो द्वार कोशिकाएं हैं इन द्वार कोशिकाओं की आकृति डंबल की तरह से हो जाती है, यानी वो बीच में से पतली है और ऊपर और नीचे से मोटी हो जाती है, तो डंबल के आकार की है। जबकि यहां जो द्वार कोशिकाएं हैं उनकी आकृति एक राजमा की तरह से होती है, लेकिन कार्य बिल्कुल दोनों के सेम है, कार्य बिल्कुल एक जैसे हैं। यह भी रंध्र छिद्र को खुलने और बंद होने में सहायता करती है और यह भी रंध्र छिद्र के खुलने और बंद होने में सहायता करती है। यहां हमारे पास ये रंध्र छिद्र आता है, अगर इसके हम कार्य देखते हैं तो इसका पहला कार्य हमारे पास आता है कि यह गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। इसका दूसरा कार्य आता है कि पौधे जो अपने अंदर से बाहर जल को वाष्प के रूप में निकालते हैं वह भी इनके द्वारा निकाला जाता है, रंध्र छिद्रों के द्वारा निकाला जाता है। पौधों में दूसरी तरह से जो श्वसन होता है वो उनकी जड़ों के द्वारा है, उनके रूट्स के द्वारा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर जमीन के नीचे मिलती है ज्यादातर, और जब आप उन मिट्टी के कणों को देखते हो तो मिट्टी के कणों के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा खाली गैप नजर आएगा। जिस वायु कोश के अंदर हवा भरी होती है, जिस वायु कोश के अंदर ऑक्सीजन भरी होती है और पौधों की जड़ें उस ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। जब आप उन जड़ों को ध्यान से देखते हो तो वो जड़ें नीचे नीचे छोटे छोटे भागों में विभाजित होती जाती हैं और लास्ट में बिल्कुल अंत में वो बिल्कुल बालों की तरह की संरचनाएं बन जाती है जिसको आप मूल रोम का नाम देते हैं। और इन्हीं मूल रोम के द्वारा वो जो ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच में है वो ऑक्सीजन मूल कणों के मूल रोम के द्वारा पौधे के अंदर चली जाती है। तीसरी तरह से जो श्वसन है वो वात रंध्र के द्वारा या फिर लेंटिसेल्स के द्वारा पौधों के अंदर होता है। ये जो वात रंध्र है ये पौधे के तने में, ये पौधों के फलों में और इसके साथ साथ कुछ पौधों की जड़ों में भी होते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो दलदल वाले इलाके में उगते हैं, जैसे आपने सुंदरवन का नाम सुना है, वहां जो सुंदरी ट्रीज है उन सुंदरी ट्रीज की जो जड़ें हैं वो जमीन से बाहर निकलती हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो वायु कोश है वो पूरी तरह से पानी से भर जाता है और अगर उनको श्वसन करना है तो उनकी जड़ों को वहां से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये जो बाहर की तरफ निकली उनकी जड़ें हैं इसको हम मेटाफोर या फिर इसको हम श्वसन मूल का नाम देते हैं। इन श्वसन मूल के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन छिद्रों को आप नाम देते हो वात रंध्र का। तो इस तरह से तीन प्रकार से पौधों में श्वसन हो सकता है, या तो उनके रंध्र छिद्र के द्वारा या उनकी जड़ों के द्वारा या फिर वात रंध्र के द्वारा।
तो इसको ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए। धन्यवाद।